कोरोना महामारी प्रदेश के 25 जिलों में फैल चुकी है। इसी सिलसिले में अब आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर मौजूद हैं। जी योगेंद्र, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कोटा में, किस प्रकार के हालात बने हुए हैं? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लगातार कोटा में कोरोना संक्रमण के जो मरीज है वो सामने आते जा रहे हैं। तो जो मकबरा और भीमगंज मंडी जो इलाका है वो अभी तक हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो मरीज है वो सामने आए हैं मकबरा थाना इलाके से, और आज ही वहां से 10 से 15 जो लोग थे उनको आइसोलेशन में लिया गया है। वहां पे 108 एम्बुलेंसी पहुंची, तो कहीं ना कहीं संक्रमण लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जिला प्रशासन के लिए बना हुआ है और स्थानीय लोगों के लिए भी बना हुआ है। हालांकि इन दोनों जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया है, और कुछ कुछ इलाकों को जहां पर केंद्र बनाया गया, जहां पर केंद्र सामने आया है वहां पर इसको महा कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन लगातार लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए प्रयास कर रहा है, लगातार बैठकें कर रहा है। तो निश्चित तौर पर 20 तारीख तक इन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, और 30 तारीख तक धारा 144 जिला कलेक्टर ने लगाई गई, जो जिला कलेक्टर है उन्होंने घोषित किया है कि धारा 144 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। ऐसे में स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो इसके लिए जिला प्रशासन लगातार मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत भी कर रहा है। जी योगेंद्र, जानना चाहेंगे कोटा में किस प्रकार की स्थिति है, कितने पॉजिटिव केस अभी कोटा में हैं और कितने स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं? स्वस्थ होकर घर अभी फिलहाल कोई नहीं आया, लेकिन बीच में 5 जो कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव में जरूर तब्दील हुए थे, जिसमें से जो 4 थे वो कोटा शहर के थे, जहां से कोरोना एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म हुआ था, जिस जगह से जन्म हुआ था ये उसी घर के रहने वाले थे, तो ये नेगेटिव में जरूर तब्दील हुए। हालांकि इनको घर के लिए अभी छुट्टी नहीं दी गई है। अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव की संख्या की, तो अब तक 49 कोरोना पॉजिटिव कोटा से सामने आ चुके हैं, जिसमें मकबरा और भीमगंज मंडी इलाका, इन दोनों जगहों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अब इन दोनों इलाकों में लगातार मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। कोशिश जिला प्रशासन की यही है कि अब यहाँ से कोई संक्रमित मरीज सामने ना आए। अभी तक राहत की बात यह है कि आज सुबह से और अभी तक कोटा से एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया है। तो वही मकबरा जो थाना इलाके है वहां से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन सबसे ज्यादा नजर मकबरा इलाके में बनाए हुए हैं। काफी जो लोग हैं वो जो जमाती हैं वो भी वहां पर आए थे। जी योगेंद्र, यहाँ पर जानना चाहेंगे, लॉकडाउन का आज अंतिम दिन था लेकिन अब 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है, जो लोग घरों में बंद हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, उनको जरूरी सामान समय पर मिल सके, क्या व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने आया, उन्होंने आह्वान किया और उन्होंने बताया कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में जिला प्रशासन फिर अलर्ट हो गया है, क्योंकि महा कर्फ्यू जहाँ पे लगे हुए कर्फ्यू के खिलाफ वहां से लगातार जिला प्रशासन को फोन आ रहे हैं कि यहाँ पर राशन की असुविधा हो रही है, दूध की सप्लाई नहीं हो पा रही, सब्जी की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने लगातार लोगों को आश्वासन दिए हुए कि आपकी जो भी समस्या है उसको जल्द ही दूर किया जाएगा, और लगातार वहां गाड़ियां पहुंच रही है। सबसे बड़ी कमी भी यहाँ पे जिला प्रशासन की देखने को मिली है कि जिस तरह से जिन कर्फ्यू के इलाकों में जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है वो काफी कम है। तो ऐसे में लोगों में जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लगातार इन लोगों को समझा रहा है कि आप लोग घरों में रहें, आपके घरों के बाहर ही होम डिलीवरी कर दी जाएगी। इसमें एक समस्या और आती है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने होम डिलीवरी शुरू की थी और ऑनलाइन जिस तरह से राशन बुक कराने के लिए उन्होंने लोगों को बोला था, तो जिन लोगों ने 5 दिन पहले जो राशन बुक करा रखे थे उनको आज अभी तक उनका राशन होम डिलीवरी नहीं हुआ। तो ये कहने के जिला प्रशासन के लिए नेगेटिव साबित करता है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार मुद्दे है। जिला प्रशासन का यही कोशिश है कि जो भी होम आइसोलेटेड है, जो भी कर्फ्यू के इलाके हैं वहां पर लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए अलग से टीम भी बना दी गई है, अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग करेंगे। जी साथ में जानना चाहेंगे योगेंद्र कि राजस्थान में कई जगह से शिकायतें मिल रही है कि कालाबाजारी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग हैं जो मनमाने दाम वसूल रहे हैं, क्या इस प्रकार की शिकायतें कोटा में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आशीष मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कालाबाजारी लगातार चल रही थी, तो कोटा में भी कई कालाबाजारी के केसेस सामने आए। हालांकि इन पे काबू करने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए डीएसओ की तरफ से जो रसद विभाग है उनकी तरफ से टीम भी बनाई गई, जो लगातार शहरों में घूमती है और जहां से भी, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो दूध की सप्लाई हो, चाहे वो सब्जी की हो, तो जहां से भी उनको शिकायतें आ रही है वहां जा रहे हैं, दुकानदार दुकान मालिक को समझाइश कर रहे हैं। अगर वो नहीं मान रहा है और वो अपनी हर धर्मिता बनाए हुए तो उसका चालान भी बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं गंभीरता भी
उस जी दुकानदार के प्रति दिखाई जा रही है कि अगर आप भविष्य में अगर आपने इस तरह के किराने सामान को दुगनी रेट में बेचा तो आपकी गिरफ्तारी भी हो जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे योगेंद्र महावर जो कोटा से सीधे हमारे साथ जुड़े थे लगातार।